अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अला नेमतिल इस्लामी व कफा बिहा नेमा। आप लोग को खुश आमदेद। सूरह शूरा आयत नंबर 123 से हम इब्तिदा करेंगे और हम देखेंगे कि शुरू में जो हमें कहानियाँ आती हैं वो तमाम की तमाम उन कौमों की हैं जिसके ऊपर अल्लाह ताला का सख्त अज़ाब आया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़बत आदुनिल मुरसलीन एंड आर डिनाइड द मैसेंजर्स। तो ये पहली जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जिसका ज़िक्र आ रहा है कौम का, ये कौम आद है जिस पे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो थे वो उनके नबी और रसूल बना के भेजे गए। इस क़ाला लहुम अखूहुम हूदुन अला तत्तकून, व्हेन देयर ब्रदर हूद सेड टू देम डू यू नॉट फियर अल्लाह, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, आई एम अ ट्रस्टवर्दी मैसेंजर ऑफ यू। तो ये क्या बता रहे हैं, एक यानी कि जब उनको अल्लाह ताला ने एक अपना एक नबी एक पैगंबर बना के भेजा तो उन्होंने आके सबसे पहले उन लोगों को यही कहा कि उनके एक ट्रस्ट क्रिएट करके, मैं ईमानदार हूँ, मैं एक मकसद के लिए आया हूँ, मैं बेलॉस हूँ, आई एम रियली कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू दिस दिस कॉज। ये मेरा कोई कारोबार नहीं है, ये मेरी कोई बिजनेस नहीं है, मैं तो आई हूँ तुम्हें सिर्फ हिदायत देने के लिए, तुम्हें सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए। फ़त्तकुल्लाह व अतीउन, सो फियर अल्लाह इन ओबेमी, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, आई डू नॉट क्लेम फ्रॉम यू एनी रिवॉर्ड फॉर इट, माई रिवॉर्ड इज़ विद नन बट द रब ऑफ द वर्ल्ड्स। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये हर पैगंबर ने आके अपनी कौम को ये वाला ये ज़रूर ये मैसेज दिया है। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखो ये जो खौफ जो है ना, ये अल्लाह ताला का करो, अल्लाह का खौफ करो। किसी अल्लाह का जब इंसान में खौफ आ जाता है तो वो फिर इंसान को आज़ाद कर देता है हर किस्म की ग़ुलामी की, इंसान से भी, इंसान की भी ग़ुलामी इंसान नहीं करता और अपनी नफ्स की भी ग़ुलामी नहीं करता। सारी उम्मीद जो है वो अल्लाह के ऊपर रखो, नाइदर बी कंसर्न कि ना तो तुम्हें ये फ़िक्र हो कि तुम पे कोई इल्ज़ाम होगा और ना ये फ़िक्र हो कि मुझे ये जो है ना दुनिया में इसका कोई अजर मिलेगा। सिर्फ एक मकसद, एक मकसद क्या, वो अल्लाह ताला की रज़ा, हिज़ गुड प्लेजर। अतबनून बिकुल री इन आयतन ताबतून एंड डू यू इरेक्ट ऑन एवरी हाइट अ मोनूमेंट फॉर वेन डिलाइट। देखिए जब कौमें कामयाब होती हैं ना तो वो अपनी कौमों को अपनी जो कामयाबी है ना इसको डिस्प्ले करना चाहती हैं, और वो किस तरीके से डिस्प्ले करती हैं, इस किस्म के एक सेंसलेस किस्म के मॉन्यूमेंट्स बनाना, बेकार किस्म के मॉन्यूमेंट्स बनाना। हमारे यहाँ भी आप देखें, जब हम देखते हैं अपने शहरों के अंदर बहुत सारे, आप राउंड अबाउट्स पर जाके देखेंगे, सड़कों पर देखें, सड़कें तो टूटी हुई हैं, पीने को साफ पानी नहीं है, हर तरफ गंद फैला हुआ है, मगर जो पैसे वो होंगे वो इसके ऊपर किसी राउंड अबाउट के ऊपर कोई ना कोई मॉन्यूमेंट बनाना, और वो ऐसा पैसा जो है सारा इन यूज़लेस पीसेस ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर देना। वतत्तखिज़ून मसानिया लअल्लकुम तख़लुदून एंड यू मेक फाइन बिल्डिंग्स एज इफ यू आर गोइंग टू लिव फॉर एवर। यानी कि सारा जो फोकस है ना इन कौमों का, जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी तरक्की दी, इज़ नो डाउट कि इनकी बड़ी तरक्की हुई थी, वो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाना, उनको डेकोरेट करना, इसी में उनकी सारी खुशी होती है, तमाम जॉय और हैप्पीनेस उनका प्लेजर जो होता है वो ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में होता है। आज भी हम देखते हैं अपने, हम लोगों को भी देखते हैं, जब लोग कामयाब होते हैं दुनिया के अंदर तो पहली चीज़ क्या करते हैं, वो अपने घर को देख कर वो उसको रेनोवेट करते हैं, नया घर खरीदते हैं, नया घर बनाते हैं, और इस नीयत से नहीं बनाते कि अब जो हमारा नया घर होगा या अपने घर को रेनोवेट करेंगे वो आरामदेह होगा, वो बड़ा लिवेबल होगा, बट अननेसेसरी उसके अंदर डेकोरेशन और नुमाइश ज़रूर करते हैं। सारी अहमियत जो लोगों की है ना वो इस चीज़ पे शिफ्ट हो जाती है कि कैसे हम अपने घर को सबसे ज़्यादा आला, सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाएं, कैसे हम उसको डेकोरेट करें, और इस हद तक कभी कभी लोग डेकोरेट करते हैं अपने घरों को कि जब उनके यहाँ मेहमान आते हैं तो मेहमान भी ज़्यादा वेलकम नहीं होते, इसलिए कि एक कॉन्स्टेंट उनके यहाँ एक परेशानी होती है कि कहीं सोफ़ा जो है वो ख़राब ना हो जाए, कहीं कालीन के ऊपर कोई धब्बा ना पड़ जाए। तो आप ये देखें कि फिर क्या होता है कि इंसान की कदर जो है ना वो तो कम हो जाती है, मेहमान की कदर कम हो जाती है, इट बिकम्स इवन लोअर देन द फैब्रिक, वो जो फर्नीचर है उससे भी उसकी जो है ना इज़्ज़त कम हो जाती है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखिए आप हम भी अपने घरों को खूबसूरत बनाते हैं और अच्छा रखते हैं, हमारे घर जो है ना मस्ट बी अ प्लेस ऑफ वेलकम, एक बिल्कुल आराम की जगह होनी चाहिए, मगर ओवर बेयरिंग नहीं होने चाहिए कि हम इसलिए नहीं अपने घरों को डेकोरेट करें कि वो जो है ना जो आने वाले लोग हैं हम उनको मुतासिर करना चाहते हैं। हम कोई म्यूज़ियम नहीं बना रहे, हम एक घर बना रहे हैं, वी आर मेकिंग होम, इट दिस इज़ नॉट अ डिस्प्ले ऑफ आर ग्लोरी कि हम कितने दुनिया में कम सक्सेसफुल हुए हैं। घर जो है ना वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, जहाँ पर हमारी रिलेशनशिप्स बिल्ड हों।
तो ज़रूर अपने घर के अंदर जो है आराम का ज़रूर ख्याल रखें, और ये ख्याल रखें कि हमारे घरों के अंदर सुकून हो, मगर सुकून हो, गुरूर ना हो। दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स द थिंग। तो घरों को फंक्शनल बनाएं, उनको इजी टू मेंटेन बनाएं, ताकि उसको अच्छी तरीके से साफ सुथरा रख सकें। देखिए, इस्लाम इस चीज़ के ऊपर नहीं कहता कि हम जो है चीज़ों को खूबसूरत ना करें। ये जो एस्थेटिक सेंस है ना, एस्थेटिक सेंस फॉर ब्यूटी, खूबसूरती की जो एस्थेटिक सेंस है, ये बेसिकली सिर्फ इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको इस लेवल पे ले जाएं कि उसको एक दिखावे की लेवल के ऊपर ले जाएं। हाँ, एंड वी एग्जॉल्टेड मोर देन द ह्यूमन लाइफ। तो घर जो है, वी शुडन्ट बी रियली प्राउड ऑफ, हम घरों के ऊपर हमारा गुरूर नहीं होना चाहिए। इसे कि अल्लाह को तो ये पसंद नहीं है कि जो शख्स जो है वो ऐसी चीज़ों से मोहब्बत शुरू कर देता है जो कि बेजान हो। घर तो वैसे बेजान चीज़ है ना, दैट समथिंग। मगर ये कि, और ये भी याद रखें कि देखिए, इट्स वेरी इजी टू बाय गुड थिंग्स, कि अच्छी चीज़ें खरीदना जो है ना वो बड़ा आसान है, मगर उनको मेंटेन करना, उसको साफ रखना, उसको अच्छी तरीके से रखना, ये बड़ा डिफिकल्ट, ये बड़ी मुश्किल काम है। फ़ैज़ा बतश तुम जब्बारीन एंड वेन यू सीज एज टायरेंट्स। तो जब लोग भी कामयाब होते हैं, जब कौमें भी कामयाब होती हैं, सक्सेसफुल होती हैं, तो कभी कभी बड़े बुली हो जाते हैं। कामयाबी उनको बुली बना देती हैं। आप देखेंगे हर धर्मी पे भी आ जाएंगे, कभी कभी जो है ना बदमाशी भी शुरू कर देंगे, एकदम उनके अंदर एक जबर सा आ जाएगा। और आप अक्सर देखते हैं कि लोगों के घरों के अंदर अगर कोई नौकर से एक ग्लास टूट जाए, एक प्लेट टूट जाए, तो कैसा लोग जो है उनके ऊपर जो है ना गुस्सा करते हैं, हाउ एंग्री दे गेट ऑन दीज पीपल। तो क्यों ये होता है कि इसलिए कि ऑब्वियसली जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा फैंसी होगी और बहुत ज़्यादा महंगी होगी और वो जब टूटेगी तो उसका एक उसका असर तो होगा, इसलिए कि एक महंगी चीज़ टूट गई एंड दैट्स अ नेचुरल रिएक्शन। तो पॉइंट क्या है भाई, अडॉप्ट सिंप्लिसिटी डे टू डे जिंदगी के अंदर, सिंप्लिसिटी रखें। और ये याद रखें कि देखिए, हर चीज़ की एक उम्र होती है, एवरीथिंग हैज़ अ लाइफ। जैसे हमारी एक उम्र है, ये जो हमारे यहाँ घर में बर्तन है ना, इनकी भी एक उम्र है। तो जब वो अपनी उम्र को पहुँच जाते हैं, फिर वो टूट जाते हैं। कभी वो नौकर के हाथ से गिर के टूटते हैं, कभी हमारे हाथ से गिर के टूटते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, आई रियली रिमेम्बर जब मैं छोटा था, मैंने आई वॉज रियली वेरी स्मॉल, तो हम एज ए चाइल्ड क्या चीज़ वैल्यू किया करते थे। हम आई यूज़ टू गो टू माई, हमारी फूफो थी, वो रहती थी PIB कॉलोनी के अंदर, एक बड़ा सिंपल सा घर था, ना उनके यहाँ बिजली थी, ना फ्रिज था। उनके यहाँ जो खाना होता था वो भी बड़ा, एक चीज़ कहते हैं ना, बेसिक सिंपल खाना होता था, मगर द वे इट वॉज बींग सर्व्ड, राइट, और जिस कदर वेलकमिंग वो थी ना, कि हम जो थे, वी वुड ऑलवेज, शी वुड ऑलवेज इंसिस्ट कि ये खाने पे आप रुके, खाना खा के जाएँ, या हमारे यहाँ रहें या खाने पे रुक के जाएँ। तो वो इट्स नॉट द फूड दैट मैटर, इट्स द लव एंड द केयर दैट मैटर, दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, ये इन चीज़ों की ना, हमारे यहाँ हम अपने बच्चों में ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की वैल्यू ना डालें। लव ऑफ कोल्ड, ये जो होते हैं ना कि बेजान पत्थरों की, जब लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती, तो वो उनके दिलों को भी, जिसको कहते हैं कि वो भी, उनको भी सख्त कर देते हैं, उनको भी कोल्ड बना देते हैं। फ़तकुल्लाह व अतीउन, सो फियर अल्लाह इन उबेनी, वतकुल्लज़ी अमद्दकुम बिमा तालमून एंड फियर द वन हु हैज़ सपोर्टेड यू विद व्हाट यू हैव। तो क्या वो कह रहे हैं अपना उनके नबी, उनको क्या कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे पास है ना, बहुत कुछ है, मगर ये सारा तुम्हें अल्लाह ने दिया है, ये तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं है। जब इंसान को ये एक एहसास हो जाए ना कि ये जो कुछ भी मेरे पास है, ये अल्लाह ने मुझे दिया है, तो उसके अंदर एक काइंड ऑफ मॉडेस्टी आ जाती है, एक ह्यूमिलिटी आ जाती है, एक जिसको कहते हैं ना कि एक शाइस्तगी उसके अंदर आ जाती है, इससे कि उसको मालूम है कि जिस रब ने मुझे ये दिया है, वो रब मुझसे ये वापस भी ले सकता है। अमद्दकुम बे अनआमिम व बनीन, ही सपोर्टेड यू विद कैटल एंड चिल्ड्रन, व जन्नातिम व उयून एंड गार्डन्स एंड स्प्रिंग्स, इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, इन फैक्ट आई फियर फॉर यू द पनिशमेंट ऑफ अ ग्रेट डे। दे सेड इट इज़ इक्वल फॉर अस वेदर यू प्रीच अस और यू डू नॉट प्रीच अस। तो क्या कह रहे हैं कि भाई, ये जो तुम हमें नसीहत कर रहे हो, काउंसिल कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, इसका तो हमारे पर कोई असर नहीं हो रहा। तो ये कौन कहता है ऐसी चीज़, इसमें कौन सी बुरी चीज़ थी इस नसीहत के अंदर? कोई बुरी चीज़ नहीं थी। मगर ये जो लोग ऐसी बात करते हैं, वो कौन करते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर हो, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो, उनके दिलों के अंदर बहुत ज़्यादा तकब्बुर हो। दिस इज़ नथिंग बट द प्रैक्टिस ऑफ द एंशिएंट, वमा नाहनु बिमुअज़्ज़िबीन एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी पनिश्ड। तो ये वजह है,
ये वजह क्या है कि उनको उनको वजह ये है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी जिन्होंने बहुत तरक्की थी कि वो क्यों बर्बाद हो गई, ये उसकी वजह यहाँ बताई जा रही है कि व्हाट कॉज द डाउनफॉल ऑफ ये पीपल ऑफ नूह, हज़रत नूह अलैहि सलाम की या आद की या समूद की। लोगों के अंदर ये बाय एंड लार्ज एक ये फीलिंग हो गई थी कि हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, कि हमारा कोई हिसाब नहीं होगा, हम जैसे यहाँ पे अगर कोई आखिरत भी होगी वहाँ पे भी हम अच्छे ऐसे अच्छे तरीके से रहेंगे। तो ये जो है ना फियर ऑफ हिसाब, ये जो है ना तो खौफ हिसाब का जो खौफ होता है, तो इंसान हर एक को फिर एक रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है। अगर ये मालूम हो ना कि हमारे हर रवैये, हमारा हर अमल जो है उसका हिसाब होगा, तो हम एक कुत्ते को भी ना एक रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे। फकद्दबूहु फअहलकनाहुम इन नफ़ी ज़ालिक लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन एंड दस दे रिजेक्टेड हिम सो वी डिस्ट्रॉयड देम श्योरली इन दिस देयर इज़ अ साइन बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट बिलीवर्स व इन रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम एंड इंडीड योर रब इज़ द माइटी द मर्सीफुल कज़बत समूदुल मुरसलीन एंड द पीपल ऑफ समूद रिजेक्टेड द मैसेंजर। तो ये अब दूसरी कौम का यहाँ पे जिक्र आ रहा है, पीपल ऑफ समूद, और ये कौन लोग थे कि जो कि नॉर्थ ऑफ हिजाज के अंदर ये कौम आबाद थी, इनको कहते हैं कौम समूद। और ये जो जब ये जो काफ़िले जाया करते थे मदीना से लेके यानी कि तबूक से लेके मदीना की तरफ, तो वहाँ पे इनके जो खंडरात थे समूद के वो क्लियरली विजिबल थे। इस क़ाला लहुम अखूहुम सालिहुन अला तत्तकून एंड व्हेन देयर ब्रदर सालिह सेड टू देम डू यू नॉट फियर अल्लाह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन आई एम अ ट्रस्टवर्दी मैसेंजर फॉर यू। तो ये उनके जो उनके पास नबी को भेजा गया, हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम को उनके नबी बना के भेजा गया और उनको एक जिम्मेदारी दे के दी गई, और यू नो उनकी जिम्मेदारी ये थी कि ही हैज़ टू यू नो मेक पीपल रियलाइज, लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि दे हैव टू राइज अबव दिस इनजस्टिस, ये जो नाइंसाफ़ी है ना इससे ऊपर आए, हाँ कि ये जो अपना राइज अबव दिस पेटीनेस, ये जो छोटा पना होता है ना लोगों के अंदर, उससे निकल के ऊपर आए। तो ये जितने भी रसूल होते हैं उनका एक मकसद होता है, दे हैव अ जॉब टू डू, उनका एक अल्लाह ताला ने एक मकसद बनाया हुआ होता है कि जब भी अल्लाह ताला को कोई हुक्म आए, उनके पास एक हायर कमांड से अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आए, तो वो जो है सिर्फ उस हुक्म को बजा लाएं, और वो जो है वो फरमाबरदारी जो है ख़ुद भी करें और अपनी कौम को भी ये फरमाबरदारी सिखाएं कि अल्लाह की फरमाबरदारी करें। फ़त्तक़ुल्लाह व अतीउन सो फियर अल्लाह इन उबीबी वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन आई डू नॉट क्लेम फ्रॉम यू एनी रिवॉर्ड फॉर इट माई रिवॉर्ड is with none but the Rabb of the worlds. Atutrakuna fi ma hahuna aminin. Will you be left secure in whatever is there fi jannatim wa uyun in gardens and spring, and tilth field and date palm laden with fine fruits. तो अल्लाह ताला उनको रिमाइंड करा रहा है, उनको एक यू नो याद दहानी उनको करा रहा है कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या क्या कुछ दिए, कितनी नेमतें दी, और सारी ये नेमतें जो है ना ये तुम्हारी पहुंच के अंदर हैं, जस्ट अ कॉल अवे। ऐसी कंफर्टेबल, ऐसी आराम वाली ज़िंदगी, ऐसी आसानियाँ अल्लाह ताला ने दी, ऐसा मौका दिया उनको। और ये क्यों आसानियाँ दी कि दुनिया में अगर अल्लाह ताला आसानियाँ दे ताकि तुम अपनी मेहनत कर सको आखिरत कमाने के लिए। देखिए हमारे पास भी अल्लाह ताला अगर हमारी ज़िंदगी में आसानियां दे और हमें आराम दे और बहुत सारी यानी कि दौलत और दे स्पेयर वेल्थ दे, तो हमें भी हम क्या करते हैं, हम जब हमारे पास स्पेयर वेल्थ होती है हम देखते हैं कि हम इसको कैसे इन्वेस्ट करें फॉर द हाईएस्ट रिटर्न, राइट, दैट्स व्हाट इट इज़। तो ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत समझें, इससे हम जो हैं अगर अल्लाह ताला ने हमें आराम और आसाइश और दौलत दी तो इससे देखें कि हम कहाँ पे इसको इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, और वो तो वही है कि हम आखिरत कमाने के लिए इसको इस्तेमाल करें। वो एक हदीस आती है कि दो नेमतें जो हैं वो इंसान को दी जाती हैं, अल्लाह ताला देता है, मगर अल्लाह लोग जो है उसका फ़ायदा नहीं उठाते। पहली नेमत क्या, लोगों को अल्लाह ताला अच्छी सेहत देता है, दूसरा यह कि अल्लाह ताला जो है ना उनको एक फारिग वक्त देता है, उनके पास फ्री टाइम होता है। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपके पास फारिग वक्त है, तो इसको इस्तेमाल करें, यू नो यूज़ इट वेल। तो ये जो स्पेयर टाइम है ना, इसको ऐसा ना करें कि ये स्पेयर टाइम जो है आपके लिए एक अजाब बन जाए, एक टेंशन बन जाए, एक परेशानी का ज़रिया बन जाए। वतन्हितूना मिनल जिबाल बुयूतन फारिहीन एंड यू काव आउट हाउसेस आउट ऑफ द माउंटेंस विद प्लेजर
तो ये इनकी जो कौमी समूह थी उनके अंदर एक ये था कि वो पहाड़ियाँ काट काट के उनसे बड़े खूबसूरत वहाँ उसके ऊपर मकानात बनाते थे और सारा अपना वक्त इसी पे लगाते थे। कभी कभी इंसान लोगों जो होते हैं ना, कौमों के अंदर एक बीमारी होती है, एक दिल के अंदर एक बीमारी होती है, एक बीमारी दिल की तो बहुत सारी बीमारियाँ, एक बीमारी है बतर। बतर क्या? बोस्टिंग है, यानी कि शेखी करना, हाँ शेखी मनाना, ब्रैग करना, फ्लाउंट करना, दिखावा करना, और ये तमाम चीज़ें थी। ये बनाते क्यों थे? ताकि एक दिखावे के लिए। कोई कंफर्ट नहीं थी उसकी, कोई उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। फ़तकुल्लाह व अतीउन, सो फियर अल्लाह एंड ओबे मी, वला तुतीउ अमरल मुसरिफीन एंड डू नॉट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द ट्रांसग्रेसर्स। हाँ, कि तुम जो हो उनको उनका कहना मत मानना, हाँ उनका कहना मत मानना जो मुसरफीन है। मुसरफीन कौन? जो इसराफ करने वाले हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, जिनको हम कहते हैं ना बिग स्पेंडर, में शहाना तरीके से खर्च करना, ना सिर्फ खर्च करना, उसको एक वेस्टफुल तरीके से खर्च करना, ज़ाया करना। तो एक चीज़ जहन में रखें कि हमारा सुकून, हमारी खुशी जो है वो किसी शान और शौकत के अंदर नहीं है, किसी ग्रैंडियर के अंदर नहीं, वो सादगी के अंदर है। आप देखें हमारे यहाँ लोग किस तरीके से शादियों के ऊपर खर्च करते हैं। हालांकि प्रोफेसर सल्लम की एक हदीस है, प्रॉफिट ने फरमाया कि सबसे बेहतर निकाह वो है कि जो कि सादगी से किया जाए। मगर अगर हमारे निकाहों के अंदर, शादियों के अंदर दिखावा होगा तो इससे क्या होता है? इससे बड़े प्रॉब्लम, बड़े मसले बन जाते हैं, पूरी सोसाइटी के लिए मसले बन जाते हैं, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जितनी सोसाइटी उसके लिए बन जाते हैं। इसलिए क्यों? इसलिए कि लोग हमें कॉपी करते हैं, वो देखते हैं कि हमने ऐसा किया तो फिर वो भी अब ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोगों की इस्तेआत नहीं होती करने के लिए तो वो फिर जो है कर्जे लेके करते हैं। और इससे आप ये देखिए, ये जो हमारे ऊपर आजकल जो एक बड़ी बहुत बड़ी लानत है, ख़ासतौर पे मुस्लिम माशरों के अंदर और ये हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के अंदर, ये जो जहेज़ की लानत है, कितनी बड़ी लानत है। एंड व्हाट अ सोशल ईविल दिस इज़, कितना जुल्म होता है लड़कियों के ऊपर, इसकी वजह से ब्राइड बर्निंग्स होती हैं वो। तो ये कहाँ से आया सारा और क्यों नहीं ख़त्म होता? ये इसलिए नहीं ख़त्म होता कि वी डोंट वॉन्ट इट टू फिनिश, इट हैज़ टू स्टॉप एट सम प्लेस। और जब तक कि हम नहीं करना छोड़ेंगे इसको, तो लोग जो है हमें कॉपी करते ही चले जाएंगे। इसलिए वो लोग कहेंगे जी उनके घर में भी तो ये हुआ था, और वो तो जनाब दीन भी पढ़ाते हैं, राइट, तो उनके अगर हुआ तो हमें भी यही करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना लैविश स्पेंडिंग, जो है कई दफ़ा ये लोगों को एक बहुत एक मियार भी बन जाता है। और आज भी आप ये देखें, आज भी अगर आपको किसी को यू नो शो करना हो ना कि यू हैव सम कंसर्न, या किसी से आपको मोहब्बत है या यू नो अफेक्शन है, तो आप क्या करेंगे कि जी उसको एक बहुत बड़ा डायमंड की, उसको एक डायमंड की एक रिंग दे देंगे, वो डीबियर की डायमंड की रिंग दे देंगे। इज़ दैट अ रियली एन इंडिकेशन दैट यू हैव अ यू नो यू हैव अ लव और कंसर्न विद समवन? ये जो डिबियर ने अपना एक स्लोगन बनाया था ना, डायमंड इज़ फॉर एवर, ये हमेशा चलता है, एंड दे हैव ऑलवेज कैपिटलाइज ऑन दिट। अल्लदीन युफ्सिदून फिल अर्द वला युस्लिहून, हु स्प्रेड करप्शन इन द अर्थ एंड डू नॉट रिफॉर्म, कालू इन्नमा अंत मिनल मुसहरीन, दे सेड यू आर नथिंग बट ए डिल्यूटेड वन। तो जब ये उनके नबी ने ये उनको मैसेज दिया, सिंप्लिसिटी का मैसेज दिया, और ये तमाम जो मैसेजेस हम ऊपर देखते आएंगे आए, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम तो जो तौर तरीके हैं, जो असूल हैं, जो नॉर्म्स हैं इस माशरे के अंदर, तुम तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा रहे हो। आर यू इन योर राइट माइंड? उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा होगा कैसे कंजूस आदमी है, टाइट फिस्टेड किस्म का आदमी है, एकदम बकील आदमी है, कि जनाब ये खर्च ही नहीं करता ऐसे बड़े बड़े फंक्शन में और पार्टीज़ के अंदर। हालांकि अगर आप देखें तो बुखल की डेफिनेशन क्या है? बुखल की डेफिनेशन ये है कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में ना खर्च करता उसको बखील कहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि लोग हज़ारों यानी लाखों रुपए के क्रिकेट के मैच के टिकट तो ले लेते हैं, राइट, मगर अपने किसी रिश्तेदार को अगर उनको 1,000 रुपया 10,000 रुपये देने पड़ जाएँ तो वो एक बड़ी क्या कहते हैं ना बर्डन सा, एक बड़ी मुसीबत लगने लगती है। मा अंत इला बशरु मिसलुना फातिब आयतिन इन कुंता मिन सादिकीन, यू आर नो मोर देन अ ह्यूमन लाइक अस, सो ब्रिंग अ साइन इफ़ यू आर वन ऑफ द ट्रूथफुल। काला हाजी नाकतुल लहा शिरब वलकुम शिरब यौम मालूम, ही सेड दिस इज़ अ शी कैमल, शी हैज़ अ शेयर ऑफ वाटर एंड यू हैव अ शेयर ऑफ वाटर ऑन अ स्पेसिफिक डे। तो लोगों ने कहा उनसे, हज़रत यू नो साले अलैहिस्सलाम से उन्होंने ये फरमाइश की कि हमें एक मौजज़ा दिखाएं, और मौजज़ा ये हो कि अभी जो है इस पहाड़ से एक ऊँटनी जो है वो आ जाए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने दुआ उनकी कबूल की, और एज़ अ मौजज़ा एक वहाँ पर ऊँटनी जो थी वो नमूदार हो गई। ये लोगों का मुतालबा था, मगर ये मुतालबा जो था लोगों के लिए बहुत बड़ा फितना आगे जाके बन गया।
وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. So do not touch her with evil, lest the punishment of a grievous day take hold of you. तो ये ऊँटनी जो थी इसका क्या था, एक यूनिक थी, ऑब्वियसली अल्लाह ताला की एक निशानी थी, अल्लाह ताला का एक मौजज़ा था. और वो ऊँटनी ऐसी थी कि वो जो थी ना वहाँ पर आके पानी जो थी वो जब पीती थी तो वो पूरे के पूरे कुएँ का पानी पी लेती थी. और एक दिन रिजर्व था कि जिस दिन वो सिर्फ ऊँटनी जो थी वो पानी पीती थी. अब लोग जो थे वो बड़े उसके तंग आ गए, और फिर उन्होंने जो था लोगों ने एक आपस में मिले और उन्होंने उस ऊँटनी को ज़िबा कर दिया, उसको मार दिया. और जब उसको मारा तो फिर उन्होंने अपनी बर्बादी अपने ऊपर ले ली. तो क्यों उन्होंने बर्बादी ले ली, कि इसलिए कि एक बड़ी वाज़े निशानी थी अल्लाह ताला की, अल्लाह का मौजज़ा था जो कि उन्होंने ये अपना जो था ना उन्होंने ही इसके ऊपर मुतालबा किया था, उनके मुतालबे पर यह मौजज़ा दिखाया गया. अब उन्होंने उसको अल्लाह की निशानी को जो था इस तरह से जो था ना उसको हलाक कर दिया. فأقروها فأصبحوا نادمين but they killed her then they became remorseful فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين and the punishment seized them surely in this there is a sign but most of them are not believers وإن ربك لهو العزيز الرحيم and indeed your Rabb is the mighty the merciful كذبت قوم لوط المرسلين and the people of Lut rejected the messenger. तो अब ये जो अगली कहानी शुरू हो रही है ये कौम लूत के बारे में है, और यहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इनका एक उनके पास एक रसूल बना के भेजे गए. इस قال لهم اخوهم لوط الا تتقون when their brother Lut said to them will you not fear Allah inni lakum rasulun amin I am a trustworthy messenger for you fattaqu Allah wa atiyun so fear Allah and obey me وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ I do not claim from you any reward for it. My reward is with none but the Rabb of the worlds. देखिए systematically सारे रसूल जो है ना वो एक ही पैगाम देते हैं, इसलिए कि ये एक ही रब के पास से आ रहे हैं. एक अल्लाह ने इनको रसूल बनाया, इनको नबी बनाया. और वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को, कि मेरा जो इनाम है मेरा इनाम तो बहुत ही ज़बरदस्त मेरा इनाम है, इसलिए कि मेरा तो मकसद ही इतना ऊंचा है, मगर इस मकसद का इनाम इतना ऊंचा है कि मैं तुमसे नहीं मांगता वो रिवॉर्ड. वो इनाम तुम दे भी नहीं सकते, और ये रिवॉर्ड मैं तुमसे मांग भी नहीं रहा हूँ. तो ये रिवॉर्ड जो मुझे मिलेगा ये तो मुझे रब ऑफ़ द वर्ल्ड ही सिर्फ दे सकता है. अता तून ज़ुखरान मिनल आलमीन एंड डू यू गो टू मेल फ्राम ऑल द क्रीचर्स. तो ये देखें कि ये कौम ऐसी थी, हमें उन कौमों के बारे में बताया जा रहा है जिन पर अल्लाह ताला ने अजाब भेजा, और उनके सब के अंदर कोई ना कोई एक यूनिक किस्म का गुनाह था. तो कौम लूत का जो गुनाह था, वो जो गुनाह आज भी हम देखते हैं द गे प्रॉब्लम, इट्स अ मेजर सिन, एक बहुत बड़ा गुनाह है. और आज तो आप देखें कि गेज़ के अपने क्लब्स भी हो गए, उनकी अपनी एसोसिएशन भी हो गई, वो एक गे बाइबल भी बना ली उन्होंने कि गेज़ की अपनी बाइबल है. तो ये याद रखें कि हमें आजकल एक इंडॉक्ट्रिनेट किया जाता है ना कि भाई दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल चॉइस, ये आपकी चॉइस है कि आपकी क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए. ये कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं इसमें, साइंटिफिक बहुत रिसर्च हुई है. ये जो डिस्टॉर्टेड बिहेवियर है जिसकी वजह से कि लोग गे हो जाते हैं, ये बड़ी कल्टिवेटेड चीज़ है. इट डजंट इमर्ज, इट्स अ कल्टिवेटेड थिंग एंड बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट दैट पीपल आर एक्सपोज टू. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ And leave your wives whom your Rabb has created for you. Indeed, you are a people who cross limit. तो वही अपना LGBTQ के अंदर जो हम देख रहे हैं, इट्स हिस्टोरिकली तो हम ये समझें कि ये आज का कोई प्रॉब्लम है, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हज़ारों साल पहले का यही प्रॉब्लम आया था, वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम था, और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अजाब भेजा. قَالُوا إِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ They said, if you do not stop, O Lut, you will surely be expelled. قَالَ إِنِّي لِأَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ He said, surely I am one of those who hate your conduct. तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनसे क्या कह रहे हैं कि भाई मैं तो नफ़रत करता हूँ इस अमल से. ये जो है वो ये नहीं कह रहे कि मैं तुम लोगों से नफ़रत करता हूँ, इट्स नॉट द पीपल, ये तो जो अमल तुम कर रहे हो वो बड़ा ही जिसको कहते हैं ना नफ़रत वाला हूँ, उससे वो कह रहे हैं कि इस अमल से मैं बहुत ही बेजार हूँ. राइट, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर अस, कि जब भी हम LGBTQ अगेंस्ट गेज कोई भी बात करते हैं तो वी आर नॉट अगेंस्ट दीज पीपल, उनसे तो हमारी हमदर्दी है. वॉट वी आर रियली अगेंस्ट इज़ द एक्ट दैट इज़ बींग डन,
That is the hateful part of it. It's a hateful act. It's not these people. It is the act that is important. Rabbi najjini wa akhli mimma ya'malun. My Rabb, save me and my family from what they do. Ab ye sochiye ki Hazrat Lut alaihi salam is qaum ke andar rehte hain. Ab ye sochiye kitna bada unke upar ye ek unke zehni azab hoga aise logon ke sath rehna. हम खुद नहीं सोच सकते कि हम कमरे के अंदर एक किसी ऐसे लोगों की कंपनी के अंदर हों कि जो कि गेज़ हों या LGBTQ हों. तो आप और ख़ास तौर पे वो शख्स जो कि ज़रा जिस कहते हैं जो हसास होता है अपने माहौल के बारे में हसास होता है, ही विल फाइंड दिस एक्सीडिंगली डिफ़िकल्ट. उसको तो बहुत ही मुश्किल लगेगा कि ऐसे लोगों के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारे जो कि ऐसे ऐसे अमल करते हैं. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. سو وی سیوڈ ہم اینڈ ہز فیملی آل آف دیم illa ajuzan fil ghabirin, except the old woman among them who remained behind. तो ये एक बुढ़िया एक बूढ़ी औरत जो थी वो पीछे रहने वाली थी, वो कौन थी? ये थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, राइट? तो अगर एक नबी की एक पैगम्बर की जो बीवी हो वो नेक नहीं हो तो वो भी अपना उसके ऊपर उसका वबाल आएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके उनका जो शोहर है वो अल्लाह ताला का एक रसूल है, मगर इसने बीवी को नहीं बचा लिया, राइट? तो रिलेशनशिप्स डू नॉट सेव पीपल, नो मैटर हाउ क्लोज दोज रिलेशनशिप. देखिए एक मियाँ एक शोहर और बीवी का कितना क्लोज रिलेशनशिप होता है, कितनी मोहब्बत होती है, मगर ये भी जो है ना इसको उस औरत को बचा नहीं सकी कि उसका शोहर जो था वो अल्लाह ताला का एक नबी और रसूल था. सुम्मा दम्मरनल आखरीन देन वी डिस्ट्रॉयड द अदर्स व अमतरना अलैहिम मतरा फसा मतरुल मुनजरीन and rained upon them a rain. So how evil was the rain on those who were warned. Inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin. Surely in this there is a sign, but most of them are not believers. Wa inna rabbaka la huwal azizur rahim, and indeed your Rabb is mighty, the merciful. To jin jo log Allah ke paigham ko aur usko uska inkar karte hain to unke liye to Allah taala al aziz hai, he is the mighty. और जो ये सुनने के बाद अल्लाह के पैगाम को सुनने के बाद तब्दील हो जाते हैं, अल्लाह के फरमा बरदार बन जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए तो रहीम है, ही इज़ द मर्सीफुल फॉर देम. कज़बा अस्हाबुल आइकतिल मुरसलीन द ड्वेलर्स ऑफ द वुड रिजेक्टेड द मैसेंजर्स. ये कौन थे? ये ड्वेलर्स ऑफ द वुड यहाँ पे आ रहा है, ये मदियन के रहने वाले लोग थे जिनके पास हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो थे वो एज़ अ नबी और रसूल बना के भेजे गए. इनको कहते हैं ना ड्वेलर्स ऑफ द वुड भी कहते हैं, आइकतिल मुरसलीन, ये अस्हाबुल आइका, अस्हाबुल आइका जो हैं विच इज़ ड्वेलर्स ऑफ द वुड. इस क़ाला लहुम शुएबुन ala tattakun, and when Shuaib said to them, will you not fear Allah, inni lakum rasulun amin, surely I am a trustworthy messenger for you. Kya keh rahe hain Hazrat Shuaib alaihi salam unko apni qaum ko, unko keh rahe Madian ke logon ko ki mujh pe aitmad karo ki jo main tumhe cheeze bata raha hu, jo paigham main tumhe de raha hu, ye paigham jo hai ye tumhare fayde ke liye hai, you need to trust this. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ سو فِيَرَ اللَّهِ اینڈ اوبے می وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آئی ڈو ناٹ کلیم فرام یو اینی ریوارڈ فار اٹ, مائی ریوارڈ از ود نن بٹ دا رب آف دا ورلڈز. تو یہ آیت بار بار رپیٹ ہو کے آئے گی. سارے تمام پیغمبر رسول جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہیے اور نہ ہی ہم تم سے کوئی امید رکھتے ہیں, رائٹ؟ وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام یو, نہ فائدہ چاہیے نہ ہم سے تم سے کوئی امید رکھتے ہیں. اوفل کیلا ولا تکون من المخسرین, گیو فل میجر اینڈ ڈو ناٹ بی امنگ دوز ہو گیو لاس. سو یہ جو گناہ تھا ان کا جو کہ قوم مدین کے جو لوگ تھے ان کا یہ گناہ یہ تھا کہ وہ دھوکہ دیتے تھے لوگوں کو فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے اندر, جو مالی تجارت جو ہم کہتے ہیں نا اس کے اندر وہ لوگوں کو جو تھے نا دھوکہ دیا کرتے تھے. وزنوا بالقسطاس المستقیم, ویٹ ود این ایون بیلنس. یہ جو کم تولنا ہے نا, یہ ان جنرل ٹرمز ایک تو کم تولنا ہوتا ہے کسی چیز کو تول کے دینا, مگر یہ ہر چیز کے اندر کسی چیز کے اندر کمی کرنا کسی بھی فارم کے اندر ہوں, تو ایک تو ناپ تول کے اندر ہم کہتے ہیں کہ کم کرنا میجر کرنا, مگر یہ اس کے اندر بھی آتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا. ہم جیسے کہتے ہیں نا فالس ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, کوئی ایک غلط بیانی ہوتی ہے, ایک مس ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, تمام چیزیں جو ہیں یہ اسی کے اندر آ جاتی ہیں ویٹ اینڈ بیلنس کے اندر. یہ بہت ہی زیادہ وائڈ اسپریڈ تھا. یہ مدین کے جو لوگ تھے وہ جو تھے دے ور نون فار چیٹنگ ان بزنس ٹرانزیکشنز.
और हम अपने माशरों के अंदर भी देखें तो ये कितना बड़ा ये आजकल का प्रॉब्लम है। हम देखते हैं ये जाली दवाएं तक बनती हैं, और यहाँ तक के जो हम यहाँ पे जो ठेले वाले होते हैं वो भी अपने जो फ्रूट्स हैं उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा लगा देते हैं ताकि जो फ्रूट्स हो नीचे रखे हुए हों, फल जो रखे हैं वो ज़्यादा आपको हेल्दी लगें, ज़्यादा सेहतमंद लगें। किस कदर मिलावट है आज हमारी सोसाइटी के अंदर कि चाहे वो खाने की चीज़ें हों चाहे फ्यूल हों, आपको पता नहीं चलता कि इसमें कितनी मिलावट की गई है। और अब तो ये हाल हो गया कि लोग इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। वला तबखसु नासा अशियाअहुम वला तासौ फिल अर्द मुफ्सिदीन एंड डू नॉट विदहोल्ड गुड्स ऑफ पीपल एंड डू नॉट स्प्रेड डिसऑर्डर इन द लैंड एज मिस्चिफ मेकर। तो ये देखें, ये जो फाइनेंशियल अदल है ना, ये बड़ा ज़रूरी है कि अदल और इंसाफ होना चाहिए। अगर अदल और इंसाफ नहीं होगा माशरों के अंदर, कौमों के अंदर, तो उन कौमों के अंदर अंधेरा होगा। और यही मकसद होता है एक अल्लाह ताला का एक नबी एक रसूल भेजने का, ताकि ये जो अंधेरे हैं, ये जो नाइंसाफ़ी के अंधेरे, इनको उठाया जाए। इट्स नॉट लाइक अ फिज़िकल डार्कनेस, इट इज़ ऑल दीज, ये जो लैक ऑफ जस्टिस है ना, ये जो इंसाफ का ना होना, अदल का ना होना, इसलिए भेजा जाता है नबियों को। वतकुल्लज़ी खलक़कुम वल जिबिल्लतल अव्वलीन एंड बी फियरफुल ऑफ द वन हु क्रिएटेड यू एंड द फॉर्मर जनरेशंस قالوا انما انت من المسخرين they said you are the one who is the deluded one। तो अब ये कि उन लोगों को ये लगा कि भाई ये जो मदियन के लोग थे कि ये कैसा अजीब सा पैगाम ये शख्स हमें दे रहा है, ये जो अपने आप को रसूल कह रहा है कि तुम ईमानदार हो जाओ, कैसा ये अजीब सी बातें हैं कि हम ऑनेस्टली बिजनेस शुरू कर दें, हमें ईमानदारी की बिजनेस शुरू कर दें कि हम धोखे को ख़त्म कर दें, ये मिस डिक्लेरेशन ख़त्म कर दें, हम मुनाफा कैसे कमाएंगे, अगर धोखा नहीं देंगे तो मुनाफा कैसे कमाएंगे, राइट। वमा अंत इला बशरुम मिसरुना व इन दुनु का लमिनल काजिबीन, यू आर नो मोर देन अ ह्यूमन लाइक अस एंड इन फैक्ट वी कंसिडर यू एज अ वन ऑफ द लायर्स। तो ये एक नया उसूल है, देखिए उसूल ये है कि जो कि ईमानदार है वो जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है ये झूठ है, ईमानदारी करना, ऑनेस्ट होना, ट्रस्ट वर्दी होना, ये झूठ है। तो प्रॉब्लम क्या थी लोगों के अंदर कि दे वो जो थे ईमानदार तो उस वक्त तक रहते थे कि जब तक कि उनके मुनाफे के ऊपर कोई असर ना पड़े, और जब उनके मुनाफे के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता था तो दे वुड कट कॉर्नर्स, फिर वो धोखा देते थे कि ये नुकसान हमें ना हो। सो कॉज अ पीस ऑफ स्काई टू फॉल डाउन अपॉन अस इफ़ यू आर द वन ऑफ द ट्रूथफुल। ये अब उन लोगों ने कहा कि भाई ये हमें ये सारा नसीहत मत करो, ये सारा लेक्चर मत दो, मगर अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो जो है एक ऐसा करो कि आसमान का एक टुकड़ा जो है ना वो हमारे ऊपर आके गिर जाए। कोई अच्छी दुआ तो नहीं है, इट्स नॉट रियली एडिंग वैल्यू। तो पॉइंट क्या है कि देखिए गुस्से की हालत के अंदर भी उसमें भी मोहतात रहें कि ऐसी चीज़ें ना मांगें कि जो कि जो कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। एक अपने ऊपर अजाब को मांगना ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिकॉज उससे क्या होगा, इंसान पर गम ही होगा ना, रंज ही होगा। कभी कभी लोग गुस्से के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह देते हैं, अपने बच्चों को वो लानत भेज देते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। इट रियली दे डोंट समटाइम मीन इट, हाँ, मगर गुस्से की हालत में वो भेजते हैं। बट आई थिंक दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेसन, इवन हम गुस्से की हालत में हों, इरीटेटेड भी हों, तब भी अपनी जो है ज़बान से ऐसे बुरे कलमे ना निकालें। इसी के ये जो उन लोगों ने मुतालबा किया ये अल्लाह ताला ने फ़ौरन कबूल कर लिया। ये क्यों कबूल कर लिया कि ये लोग जो मांग रहे थे ये तो अपने तकब्बुर में मांग रहे थे, अल्लाह ने इनकी जो दुआ थी, इनकी जो बात थी वो कबूल कर ली। काला रब्बी आलमो बिमा तामलून, ही सेड माय रब नोज़ वेल व्हाट यू डू। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ये तो मैं तो नहीं हूँ जो इसका फ़ैसला करूँगा, मेरे पास तो ये ताकत नहीं है, मगर जब तुम्हारे गुनाह एक पॉइंट पर पहुँच जाएंगे तो अल्लाह ताला ये जो है ना ही विल फुलफ़िल हिज़ प्रॉमिस, जो उसका वादा अल्लाह ताला उसको पूरा कर देगा। Thus they rejected him, so a punishment of the day of canopy overtook them. Indeed, it was a punishment of a great day. तो फिर ये जो अजाब वहाँ पर आया इन लोगों के ऊपर, मदियन के लोगों के ऊपर, वो एक ऐसा बादल था जिसको कहते हैं ना मशरूम क्लाउड, एक ऐसा बादल आया। पहले 7 दिन जो थे बहुत सख्त गर्मी हुई, और उस सख्त गर्मी के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा बादल उनको नज़र आया कि उनकी तरफ आता हुआ, तो लोग जो बड़े खुश हुए कि शायद बारिश आने वाली, मगर दैट वाज अ फायर स्टॉर्म, और उसके बाद उन पे अल्लाह ताला का अजाब आया। इन नफ़ी ज़ालिका ला आया व माकाना अक्सर मोमिनीन, श्योरली इन दिस देर इज़ अ साइन बट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट बिलीव। तो ये जो है ये कहानियाँ नहीं है,
दीज आर नॉट जस्ट स्टोरीज, मगर ये कि आप देखें कि लोगों की बदउनवानी जो पहले कौमें गुजर चुकी हैं, जब वो एक लिमिट के ऊपर पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने उसकी उस बदउनवानी की वजह से उनके ऊपर जो है ना तबाही और बर्बादी उनके ऊपर आ गई। और अगर हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे माशरों के अंदर भी है, हमारी सोसाइटी के अंदर भी है, तो ये याद रखें कि जैसे अल्लाह ताला एक कौम को तबाह कर सकता है उस पर अजाब भेज के, तो ये अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है कि वो लोगों को इंडिविजुअली जो है इनफरादी तौर के ऊपर जो है ऐसे गुनाह करने के ऊपर जो है उनका भी हिसाब ले। वह इन रब्बका लहुल अज़ीज़ुर रहीम एंड इंडीड योर रब इज़ माइटी एंड मर्सीफुल। कि देखिए इन आयात को जो है ना हल्का मत समझें, डोंट टेक देम लाइटली, ये बड़ी सख्त अब तंबीह है अल्लाह ताला की। इस तंबीह को समझें और इस तंबीह को देखें कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये जो ऊपर इतने सारे गुनाह बताए गए हैं हमारी ज़िंदगियों में कहीं पे भी ना हो। और अगर किसी का मियार जो है वो फ़र्क है, यानी कि मियार कामयाबी का फ़र्क है, तो ये देख लें कि ये कामयाबी का मियार है जो कुरान प्रोवाइड कर रहा है, राइट, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ अ वेरी सीवियर वार्निंग। وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ and most surely this is a revelation from the Rabb of the worlds. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ the trusted spirit has descended with it. कि ये तो बहुत ही एक ईमानदार फरिश्ता, ईमानदार जो फरिश्ता है वो इस पैगाम को लेके आया। ये बड़ा कीमती कलाम है, बड़ा कीमती रब की तरफ से, जो पूरी कायनात का जो रब है उसका कलाम है जो कि यहाँ पे भेजा गया है। और कौन लेके आया? रूहुल अमीन, ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनका ये लकब है। और वो बड़े ही इसको एहतियात के साथ इस पैगाम को लेके आए ताकि इस पैगाम के अंदर कोई पोल्यूशन, कोई तहरीफ ना हो। और बड़ी हिफाजत के साथ अल्लाह ताला ने पूरे हिफाजत का इंतज़ाम करने के बाद इस पैगाम को भेजा। इसलिए क्यों हिफाजत की इस पैगाम की कि इसमें तहरीफ ना हो? इसलिए कि ये जो है दिस इज़ अ गाइडेंस टू द रोड विच लीड्स टू जन्नत। ये तो हमें हिदायत देगा ये पैगाम उस रास्ते के बारे में कि जो कि हमें जन्नत को लेके जाता है। अला कल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन अपॉन योर हार्ट सो दैट यू बिकम वन ऑफ द वार्नर्स। तो ये तो दिलों के ऊपर उतरा है, ये तो अल्लाह ताला ने प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उतारा। तो कुरान जो है ना, कुरान इज़ अ मैटर ऑफ हार्ट, ये तो दिल की बात है। कि जब तक कुरान का असर हमारे दिल पे ना हो ये तब्दीली नहीं आएगी। तो कहने की बात क्या है? बात यह है कि भाई देखिए, वी हैव टू बी इमोशनली इन्वॉल्व विद दिस बुक। हमें जज्बाती तौर पे कुरान के साथ एक लगाव होना चाहिए। कुरान कोई हमें कोई तारीख नहीं सिखाता, कोई आर्कियोलॉजी की किताब नहीं है, कोई साइंस की किताब नहीं है। ऑल्दो इन चीज़ों से वो उसका तजाद भी नहीं है, कोई उसके साथ कन्फ्लिक्ट भी नहीं है। ये तो किताब जो है ना, ये तो हमें मोहब्बत सिखाता है, हाउ टू रियली लव आर क्रिएटर। और ये मोहब्बत जो है ना, कई दफ़ा जो है ये अल्फाजों के साथ और लॉजिक के साथ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मोहब्बत के लिए क्या होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक सेफ डिस्टेंस पे ना रहें कुरान से। देखिए, किसी भी मोहब्बत को चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए यू नीड टू गेट क्लोज, राइट? दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लव। तो कुरान के भी इनफैक्ट जब तक हम करीब नहीं होंगे तो इसका रियल फ़ायदा हमें होगा नहीं। इसके लिए हमें इसके साथ एक थोड़ा एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत। हमारी ज़िंदगी जो है ना वो इसके गिर्द घूमे, इस किताब के गिर्द घूमे, कि ये किताब हमारी जो है एक ज़रूरत बन जाए, कि हर अमल जो हम करते हो वो हम देखें इस किताब की रोशनी के। किताब क्या कहती है? व्हाट डज दिस बुक से अबाउट दिस, राइट? दैट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। तो फर्स्ट वी नीड टू डू, पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम वो अमल करने शुरू करें जो कि जिसका हुक्म इस किताब ने दिया है, तो ही हम इस किताब के करीब पहुंचना शुरू होंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा ना, वो इन्वॉल्वमेंट का और जज्बात का और एक मोहब्बत का जो होगा वो होगा। पहली चीज़ जो है, वी नीड टू स्टार्ट एक्टिंग इन व्हाट दिस बुक इज़ टेलिंग अस। तो एज लॉन्ग एज आई डू नॉट, यानी कि जब तक के लोग जो है इसकी फर्माबरदारी नहीं शुरू करते और अनकंडीशनल फर्माबरदारी, तब तक हमारे दिल जो है ना वो इसकी तरफ इंक्लाइन होंगे नहीं। बिलिसान अरबी मुबीन इन क्लियर अरबिक लैंग्वेज। तो कोई ना कोई वजह है कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को अरबी के अंदर भेजा। और अगर आप अरबी के बारे में गौर करें, देखेंगे कितनी बड़ी वसी और वास्ट लैंग्वेज है, ऐसी ज़बान है कि जिसके अंदर बहुत अल्फाज हैं एक ही सिचुएशन को, उसको जाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए बहुत डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग है। मोस्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को इसको कहते हैं। तो कभी कभी लोग ये शिकायत करते हैं ना कि भाई हमें यह कुरान अरबी में क्यों है, हम तो समझ ही नहीं सकते। तो हम अगर जो चीज़ समझ नहीं सकते तो हम उसको अपना अमल कैसे करें? ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा ही एक यूनिक बनाया है। ह्यूमन बींग्स आर वेरी मल्टीलिंगुअल।
हम बहुत सारी ज़बानों को के ऊपर उबूर हासिल कर सकते हैं, और वो कब हम हासिल करते हैं, जब हमें ये फील हो कि ये हमारी ज़रूरत है। इंसान बड़ी जल्दी सीख लेता है, यू विल लर्न वेरी वेरी क्विकली, इफ़ आई नो कि ये मेरी ज़रूरत है, आई विल बी एबल टू लर्न इट। वो मैं जब सऊदी अरबी में था तो वहाँ पे हम लोग टैक्सी ड्राइवर्स जो थे, पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स, उनसे पूछते थे, वो फ्लुएंट अरबी बोला करते थे, उनसे पूछते थे भाई आपको कितना टाइम लगा यहाँ अरबी सीखने के अंदर, कहते थे हमें 3 से 6 महीने में हम सीख लेते हैं पूरी अरबी। और क्यों सीख लेते हैं, इसके बगैर तो कोई बिजनेस ही नहीं, उसके बगैर तो कोई काम ही नहीं कर सकते, जब ज़रूरत होती हो तो इंसान ज़रूर सीख लेता है। وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ and most surely it is in the scriptures of the former people, कि कुरान का जो जिक्र है वो तो पहली किताबों के अंदर भी आया है। Is it not a proof for them that the scholars of Bani Israel know about it? तो जो उलमा थे, यहूदियों के उलमा थे, वो तो जानते थे कि रिवील टैक्स क्या होता है, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा जो यू नो आयात हैं वो क्या थी, और ये कि यही चीज़ कुरान उनसे सवाल करते हैं कि उनको तो मालूम था ना कि क्या रिवील टेक्स्ट है, एंड दे न्यू कि कुरान की जो कि आयत है ये भी अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई हैं। वलौ नज़लनाहु अला बादिल आजमीन एंड वी इवन इफ़ वी हैड रिवील्ड इट टू एनी ऑफ द नॉन अरब्स फ़क़राहु अलैहिम मा कानू बिही मुमिनीन एंड ही हैड रिसाइटेड इट टू देम दे वुड नॉट हैव बिलीव्ड इन इट। तो ये कि अगर लोग समझना नहीं चाहते, इफ़ पीपल डोंट वांट टू ग्रैस्प, वो नहीं समझना चाहते, तो वो इस वजह से नहीं समझना चाहते कि ये उनको अरबी नहीं आती। वो अगर किसी और ज़बान के अंदर भी एक अल्लाह ताला ये कुरान को भेज देता तो वो लोग जो थे इसको नहीं मानते, उसको कोई ना कोई बहाना बना लेते और उसको नहीं मानते। आप देखें आज भी, आप ये देखें कि सारे अरब जो हैं वो कोई बड़े मोमिन तो नहीं मरते ना, जो अरबी बोलने वाले उनमें से भी कितने लोग हैं जो एज अ काफिर मर जाते हैं, उनकी तो ज़बान है ना, उस ज़बान के अंदर कुरान भी है, मगर जस्ट ये लैंग्वेज आना जो है वो एक अलग चीज़ है, समझना जो है एक अलग चीज़ है, और उस पर अमल करना और उस पर यू नो ईमान लेके आना वो एक अलग चीज़ है। कज़ालिका सलकनाहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन एंड दस वी कॉज़ इट टू एग्ज़िट थ्रू द हार्ट्स ऑफ द सिनर्स, तो जो गुनाहगार होगा उसके दिलों के अंदर से तो ये कुरान ऐसे गुजर के चला जाएगा, इट विल जस्ट पास थ्रू इट, वो रुकेगा नहीं वहाँ पर। لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم and they will not believe in it until they see a painful punishment فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون and it will come to them suddenly while they will not be anticipating it فليقولوا هل نحن منذرون and they will say is it possible that we are given some respite। देखिए जब वक्त पूरा हो जाता है ना, आखिरी घड़ी आ जाती है, तो then it's too late, बहुत देर हो चुकी। अफ़ा बे अज़ाबे ना यस्ताजिलून और इज इट अ पनिशमेंट दैट दे सीक टू हेस्टन। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी है अभी, ये बड़ी अल्लाह की रहमत है कि उसने हमें मोहलत दी है, और अगर लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आखिरी वक्त आ जाए तो ये तो बहुत ही उनके लिए बड़ी नुकसानदेह वाली बात है। अफ़राई था इमतानाहुम सिनीन एंड हैव यू कंसिडर्ड इफ़ यू हैड गिवन देम एंजॉयमेंट फॉर ईयर्स थुम जाअहुम मा कानू युअदून then comes to them what they are warned of and all the worldly things that they were enjoying will not benefit them। देखिए कोई चीज़ बचा नहीं सकती आखिरत के दिन, कोई चीज़ इंसान को बचा नहीं सकती, कितना भी लोगों ने यहाँ पे कमाया हो, चाहे वो धोखे से लोगों को धोखा दे के कमाया हो, कितना भी मुनाफा उन्होंने क्यों ना कमाया, मगर ये मुनाफा, ये कमाना जो है लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता। वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला लहा मुनज़िरून एंड वी डिड नॉट डिस्ट्रॉय एनी टाउन अनलेस इट हैज़ हैड वार्नर्स। ये अल्लाह ताला का अदल है, आप अगर अल्लाह ताला का इंसाफ देखना चाहें तो अल्लाह ताला पहले लोगों को तंबीह करता है, ही वॉर्न्स पीपल, तो इसलिए अल्लाह ताला जो है हिसाब उन लोगों का लेगा, सबसे पहले उनका हिसाब लेगा कि जिनको अल्लाह ताला ने ये पैगाम भेजा और उन्होंने इस पैगाम को सुना, इस पैगाम को समझा, पहला उनका हिसाब होगा। कभी कभी लोग ये हमसे सवाल करते हैं ना कि भाई ये लोगों का जो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं या अलास्का में रहते हैं कि लोग, अल्लाह ताला उनका कैसे हिसाब करेगा, अल्लाह नोज़ बेस्ट। मगर ये याद रखें कि अगर आप ये देखें कि इस्लाम के अंदर जो काफिर की डेफिनेशन है, काफिर की क्या डेफिनेशन, काफिर कौन होता है, जो इनकार करे, तो इनकार कौन करता है कि जिसको पहले पैगाम पहुँचेगा उसके बाद वो इनकार करेगा ना उसका, जिसको पैगाम ही नहीं पहुँचा हाउ विल ही डू इनकार ऑफ दैट।
So we really don't know, but ये अल्लाह ताला, you know, with Allah's justice, अल्लाह का इंसाफ है, पैगाम पहुँचाना जो है ना लोगों को, ये बड़ा वाइटल है, बड़ा ज़रूरी है. विक्रा बमा कुन्ना ज़ालिमीन, टू गिव एडवाइस एंड वी हैव नेवर बीन अनजस्ट. तो ये तो एक याद दहानी है, अल्लाह ताला की तरफ से याद दहानी है. अल्लाह किसी का यानी कि राइट्स को गसब नहीं करता, जो भी उन लोगों का हक है उसको गसब नहीं करता. एक्चुअली अगर आप सोचें और देखें तो नाइंसाफ अल्लाह नहीं है, नाइंसाफ तो इंसान है, नाइंसाफ तो लोग हैं, इससे कि वो अल्लाह ताला को वो हक देते नहीं है, अल्लाह ताला को वो इज़्ज़त देते नहीं है जो अल्लाह का हक है और उस अल्लाह ताला की इज़्ज़त देनी चाहिए. वमा तनज़लत बिहि शयातीन, एंड दिस कुरान इज़ नॉट ब्रॉट डाउन बाय द शैतान. ये जवाब किसका, ये कुफार उस ज़माने में कहा करते थे मक्का के अंदर, वो कहते थे कि ये शैतान है ये लेके आता है, ये जो इसका इसकी आयात हैं, इसकी रेवलेशन है, वो शैतान लेके आता है. वमा यम्बगी लहुम वमा यस्ततीउन, इट नाइदर सूट्स देम नॉर इज़ इट इन देयर पावर. इतना खूबसूरत कलाम, इतना हिदायत देने वाला कलाम, इतने अच्छे अखलाक सिखाने वाला कलाम, क्या चीज़ है इस कलाम के अंदर, इस किताब के अंदर, कि जो कि इंसान के फ़ायदे के लिए ना हो. इन्नहुम अनिस्समे लमाज़ूलून, इन फैक्ट दे आर केप्ट फार अवे फ्रॉम हियरिंग इट. तो शैतान जो है वो तो इस किताब को सुन भी नहीं सकता, उसको तो अल्लाह उससे रोक दिया, अल्लाह ताला ने रोक दिया कि वो इसको इस कलाम को सुने भी. सो डू नॉट इन्वोक एनी गॉड अलॉन्ग विद अल्लाह, अदरवाइज यू विल बी अमंग दोज हु आर डूम्ड. तो भाई पुकारना है तो सिर्फ अल्लाह को पुकारें, राइट, उसके अलावा किसी और चीज़ के ऊपर जो है ना तवक्कुल ना करें. एंड वॉर्न योर नियरेस्ट रिलेटिव्स, तो ये जब हुक्म आया ना कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, तो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो था अपने जो रिश्तेदार थे, करीबी रिश्तेदार थे, उनको एक दावत दी और उस खाने के ऊपर दावत दी, और उसके बाद वहाँ से ये पैगाम पहुँचाना शुरू किया. इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दिस इज़ अ गुड थिंग, कि अगर आप लोगों को के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं कि लोगों के दिल जो है वो नरम हो, इस पैगाम को फैलाना चाहते हैं, तो लोगों को कभी कभी इन्वाइट करें अपने घरों के ऊपर, और वैसे भी मील्स के लिए, ख़ासतौर पर खाने के ऊपर जब लोगों को आप इन्वाइट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि लोगों के दिल जो हैं वो बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं. वक्फ़ जनाहा का लिमन तबा का मिनल मोमिनीन, एंड लोअर योर विंग्स फॉर दोज हु फॉलो यू ऑफ द बिलीवर्स. क्या कुरान बता रहा है, क्या चीज़ हमें सिखा रहा है, कि भाई नर्म दिल हो ईमान वालों के लिए, नॉट फॉर द ऑपोजिट. हम देखते हैं ना कि जो नेक होता है अगर वो एक गलती करे तो जो है वो पीपल आर सो हार्ड, हम कभी भूलते नहीं हैं उसको, कभी उसको दरगुजर भी नहीं करते एक उसकी गलती को, और कभी ऐसा देखते हैं कि ऐसे लीनियंट होते हैं, ऐसे नरम होते हैं उन लोगों के लिए कि जो बार बार अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे होते हैं एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, उसके लिए बड़ी नरम दिली होती है, उसके लिए बड़ी नरमी होती है. कुरान ऑपोजिट चीज़ हमें बता रहा है. فَإِنْ أَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. So if they disobey you, then say, I disown what you do. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ and place your trust on the mighty, the merciful. بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ پہ کرنا ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, who sees you when you stand, and your movements among those who prostrate. Surely he is all hearing, all knowing. तो अल्लाह ताला लोगों को देखता है जब वो नमाज़ के लिए खड़े होते हैं, उनको कैसे वो खड़े हुए, उनके दिल के क्या हाल हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अल्लाह की नॉलेज के अंदर हैं. अल्लाह इज़ ऑब्जर्विंग एंड वॉचिंग. शैल आई टेल यू ऑन होम द शयातीन डिसेंट. देखिए शैतान जो है वो उतरते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि एक स्टेट ऑफ अनक्लीनलीनेस के, एक स्टेट ऑफ नापाकी के अंदर होते हैं, कि जिनके दिल जो होते हैं ना वो खाली होते हैं अल्लाह के ज़िक्र से, उन पर शयातीन जो हैं वो डिसेंड करते हैं. और जो लोग एक जो कहते हैं ना कि ओपनली खुल के और रेगुलरली झूठ बोलते हैं, उन लोगों के ऊपर शैतान जो है वो उतरते हैं. तनज़्ज़ुलु अला कुल्ली अफ़ाकिन असीम, दे डिसेंड ऑन एवरी सिनफुल लायर. तो एक चीज़ इंसान जो है ना अगर छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे, इट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, इसी के शैतान भी उतरने बंद हो जाएंगे. मगर उसके लिए सबसे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि झूठ जो है ना उसको इंसान जो है सबसे पहले छोड़ दे. They listen eagerly and most of them are liars. तो ये इशारा किया जा रहा है, इशारा उन लोगों पर, ये चीज़ नजूमियों के बारे में किया जा रहा है, फॉर्चून टेलर्स जो होते हैं, कि ये जो हैं वो कौन लोग होते हैं, वो तो अपने दोस्त बनाते हैं जो शैतान को या शयातीन को और जिनों को ये दोस्त बनाते हैं. ये हॉरोस्कोप, ये हम कहते हैं ना पाम रीडिंग, हाथ का पढ़ना, ये तमाम चीज़ें जो ये इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा इनको मना किया है.
एक मुस्लिम में हदीस एक आती है, उसमें प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस पे यानी कि यकीन करे कि एक वर्ड्स ऑफ द फॉक नजूमी के जो यू नो जो है उसके जो अल्फाज हैं उन पे वो जो है वो यकीन रखे, तो 40 दिन की उसकी जो नमाज है वो कबूल नहीं होती। तो अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, ओबियसली द बेस्ट प्रोटेक्शन इज़ कुरान, द बेस्ट प्रोटेक्शन इज़ आयतुल कुर्सी, ये सब की हमारी हिफाजत करती है। हम ख़ासतौर पर फ़र्ज नमाज के बाद इसको ज़रूर पढ़ें। وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ and as for the poets, those who go astray, follow them. तो यानी कि ये जो शायर होते हैं उनके बारे में ये आ रहे हैं, ऑब्वियसली ये इस सूरत का नाम भी शुअरा है, तो शायर जो होते हैं उनकी पैरवी जो कौन कर रहे होते हैं, वो नॉर्मली ऐसे लोग कर रहे होते हैं जो ज़्यादा kind of नेक नहीं होते, जो कि हद से बढ़ते हैं। बिकॉज ये एक चीज़ जो है कि हम देखते हैं शायरों के अंदर, उनके कलाम के अंदर उनकी जो पोइट्री होती है, एक तो सबसे पहले ज़्यादातर ये पोइट्री जो होती है खूबसूरत औरतों के बारे में होती है, रात के बारे में होती है, ये यू नो शराब के बारे में होती है, इन्हीं चीज़ों के बारे में होती है, और उसमें बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेशन भी होती है। अलम तरा अन्नहुम फिकुल वादी यही मून डिड यू नॉट सी देम दैट दे वंडर इन एवरी वैली कन्फ्यूज्ड एंड दैट दे से वॉट दे डू नॉट डू, यानी कि पोइट्री के अंदर ये जो है ना बहुत ज़्यादा एक एग्जैजरेशन होती है। एक्सेप्ट दोज हु बिलीव एंड डू राइचियस डीड्स एंड रिमेंबर अल्लाह फ्रीक्वेंटली एंड डिफेंड देमसेल्फ आफ्टर दे आर ओप्रेस्ड एंड द रॉन्ग डूअर्स विल सून नो टू विच प्लेस दे आर गोइंग। तो ये कुछ एक्सेप्शन भी दी ये अपने शायरों के बारे में बताने के बारे में कि वो बहुत ही एग्जैजरेशन करते हैं एक्सेट्रा, मगर ये कुछ रियायत है उन शायरों के बारे में कि जिनकी शायरी के अंदर एक हिकमत हो, एक सच हो, एक मॉरल काउंसलिंग हो, एक अखलाक हो। तो ये देखिए उस ज़माने के जो मीडिया था ना वो शायर थे, तो आज का जैसा मीडिया देखते हैं उस ज़माने का जो मीडिया थे वो शायर थे, और कुछ उसमें बहुत अच्छे भी शायर थे जैसे हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, यू नो ही वाज़ अ पोइट एंड ही वाज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी यू नो बड़ी उनकी जो पोइट्री थी बहुत अच्छी थी। तो अब हम सूरह नमल शुरू करते हैं। नमल जो है मींस चूंटी यानी कि एंट, उसकी कहा यू नो उसके बारे में। तो ये सूरह हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम त्वासीन तिलका आयातुल कुरआन व किताबिम मुबीन त्वासीन दीज आर द वर्सेज ऑफ द कुरान एंड अ क्लियर बुक। तो ये पहली आयत तासीन यानी कि दो हरूफ मुकत्तात से शुरू होती है और वो एक ही आयत के अंदर है, और ये कुरान क्या बताता है कि ये जो किताब है ये अल्लाह ताला ने जो नाजिल की ये आयतें कुरान की जो है किताब की ये रोशन है, यू नो दिस इज़ अ रोशन किताब। ये और रोशन क्यों है, इसी के ये वाजे कर देती हैं वो रास्ता जिसको इंसान ने इस पर इंसान ने चलना है। इट्स अ वेल लिट यू नो पाथ, ये बड़ा रोशन एक रास्ता है, और ये भी वाजे कर देती है ये किताब की क्या चीज़ सही है क्या गलत है, ये भी वाजे कर देती है। हमारे लिए ज़िंदगी के अंदर बड़ा आसान हो जाता है डिटरमिन करना कि कौन सा अमल अच्छा है कौन सा जो है अमल वो गलत है। हुदा व बुशरा लिल मोमिनीन अ गाइडेंस एंड अ गुड न्यूज़ फॉर द बिलीवर्स, के जो लोग इसको अपना रहनुमा समझते हैं उनके लिए तो एक बड़ी एक खुशखबरी है, ये किताब एक खुशखबरी है। मगर पॉइंट ये है कि हिदायत है क्या, व्हाट इज़ गाइडेंस। देखिए गाइडेंस ये होती है कि जबकि कोई यानी कि कोई गाइड जो हो जो रहनुमा हो, हम जब तक कि उसके हुक्म पे हम उसका हुक्म मानते रहते हैं तो जब तक तो हम एक सीधे रास्ते पे रहते हैं, यानी कि उस रहनुमा का जो भी रास्ता होता है उस पे रहते हैं। और अगर हमें जो गाइड है वो कहता है कि भाई सीधे हाथ को मुड़ जाओ और हम उल्टे हाथ को मुड़ जाते हैं तो फिर क्या है, फिर हम भटक जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि देखिए ये किताब को अगर हम अपना रहनुमा समझें तो ये रहनुमा जब ही होगी जब हम इसकी पूरी फर्मा बरदारी करेंगे। Everything that this book tells us, we need to follow it in you know in complete जिसको कहते हैं ना कि हर तरीके से हमें उसको follow करने की ज़रूरत है। الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون who establish salah and pay zakah and they are sure of the hereafter। तो तीन qualities जो यहाँ पर बताई गई हैं कि जो इस किताब से हिदायत ले सकेंगे। पहले ये कि वो नमाज को कायम करते हैं, नमाज ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते हैं, नमाज को कायम करते हैं यानी कि जमात के साथ वो नमाज को पढ़ते हैं और उसके जितने भी लवाजमात हैं उसको भी पूरा करते हैं, फिर ज़कात देते हैं। हाँ, और ये भी समझते हैं कि नमाज जब पढ़ रहे हैं तो ये भी कोई सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, नमाज का भी एक पर्पज़ है। पर्पज़ क्या है,
कि उस अल्लाह ताला की याद ना, दैट्स द पर्पस ऑफ प्रेयर, तो वो अल्लाह की भी याद उनको आती है। और तीसरी चीज़ ये है कि वो जो है देशोर, उनको पता है कि भाई एक आखरत होने वाली है, आने वाली है, जहाँ पे हिसाब किताब होगा। इन्नल लदीना ला युमिनून बिल आखिरति ज़य्यना लहुम आमालहुम फहुम यामहून। एज फॉर दोज हु डू नॉट बिलीव इन द हियर आफ्टर वी हैव मेड देयर डीड्स लुक ब्यूटिफुल टू देम सो दे वंडर ब्लाइंडली। उलाइका लदीना लहुम सूउल अज़ाब वहुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून। दोज आर द पीपल हु डिज़र्व द वर्स्ट पनिशमेंट एंड हु आर द अल्टीमेट लूजर्स इन द हियर आफ्टर। कि जो लोग गुनाह करते हैं और फिर उस गुनाह करने के बाद भी वो अल्लाह से तौबा नहीं करते, हाँ, इट इज़ यानी कि मुमकिन नहीं है कि ऐसे लोग जो इस दुनिया में भी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। इसे गुनाह जो है ना, गुनाह करना, गुनाह इट्सेल्फ इट्स इज़ एन अजाब। गुनाह के अंदर एक ऐसा अजाब है। देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक बीमारी है, दिस इज़ ये बीमारी है हमारी रूह की। गुनाह जो है ना वो हमारी रूह की बीमारी है। जैसे इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन डिजीज़ जो होती है हमारे जिस्म की बीमारी होती है। जब हमारा जिस्म बीमार होता है तो हमें ज़रूर फिज़िकल तकलीफ़ होती है, वी फील द पेन, कोई ना कोई वीकनेस होगी, कुछ चीज़ होगी, ये पता चलता है कि हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई तकलीफ़ है। एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर आवर सोल, कि जब लोग गुनाह करेंगे तो उनकी जो रूह है वो बीमार होगी और उसका असर उनकी ज़िंदगी के ऊपर ज़रूर होगा। इसी तरीके से खुश रहना, सुकून, पीस, ट्रैंक्विलिटी, यू नो, ये बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि बड़ी मुश्किल है इनको डिफ़ाइन करना कि सुकून क्या है, ट्रैंक्विलिटी क्या है, खुशी क्या चीज़ है। और जब लोग गुनाह करते हैं ना, दैट इट टेक्स अवे ऑल दिस, वो सुकून इंसान की ज़िंदगी से ले जाता है, वो जिस कहते हैं रियल हैप्पीनेस को ले जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई देखिए, गुनाह से अगर हम दूर रहेंगे तो हमारी अपनी जो ज़िंदगी है, ये वाली ज़िंदगी जो है ना, ये भी बड़ी खुशगवार गुजरेगी। वह इन्नका लतुलक्कल कुरआन मिन लदुन हकीमुन अलीम। इंडीड यू आर मेड टू रिसीव द कुरान फ्रॉम द ऑल वाइज ऑल नॉलेजेबल। तो ये जो आपको यानी कि कुरान अल्लाह ताला ने भेजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और उनके थ्रू हमें ये कुरान मिला, तो इसका पहुंचाना जो है इज़ विद डीप अंडरस्टैंडिंग, इसको समझना जो है विद डीप अंडरस्टैंडिंग। कि प्रोफेसर सल्लम के पास जब ये कलाम आया तो उन्होंने सिर्फ ये अल्फाज को जो था लोगों को नहीं बता दिए कि कुरान के ये अल्फाज हैं, मगर इसको जो इसको कहते हैं ना, इसकी इम्प्लिकेशन जो थी, इसके असरात जो थे, इसके मायनों जो थे, उसके ऊपर भी उन्होंने एम्फोसिस किया दिया और इसको फिर अल्टीमेटली जो थे अपने अमल के अंदर लेके आए। एंड दैट इज़ रियली रिसीविंग द कुरान। रिसीविंग इज़ नॉट जस्ट द अरबिक वर्ड्स, इसका कुरान का जो पहुँचना है, इसका जो कुरान का पहुँचना है वो ये है कि वो इंसान को इसके अल्फाज और इसके मायने और इसका अमल, ये तमाम चीज़ें जो हैं, दीज आर रियली वाइटल। सो बारकल्लाहु लना वलकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र अल हकीम।